दुर्गा पूजा को लेकर मंगलवार को नेमियाघाट थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीओ शशिभूषण वर्मा व संचालन थाना प्रभारी साधन कुमार ने किया, जबकि बैठक में डूमरी वीडियो अन्वेषा ओनर मंत्री प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, बरकत अली, चीफ सदस्य धनंजय प्रसाद, विधानसभा प्रभारी आजसू यशोदा देवी, सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो सहित विभिन्न पूजा कमेटियों के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और दोनों समुदायों के लोग उपस्थित हैं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने दुर्गा पूजा शांति व सौहार्दपूर्ण पूर्वक वातावरण में मनाने का अपना अपना विचार दिए। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीओ ने कहा कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है एवं निर्देश दिया गया है, पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पंडाल के मुख्य द्वार ऐसा हो कि आपातकाल में परेशानी ना हो, अग्निशमन यंत्र रखने, पूजा समितियों के स्वयं सेवकों का परिचय पत्र हेतु प्रशासन के समक्ष स्वयं सेवकों का फोटो प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि पूजा समिति अपने स्वयं सेवकों का एक ड्रेस कोड बनाए ताकि उन्हें पहचानने में किसी को परेशानी ना हो। साथ ही पूजा समितियों को विसर्जन स्थल, शोभा यात्रा का रूट, शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या आदि की सूचना पूर्व में ही पुलिस प्रशासन को देने का निर्देश दिया। साथ ही बताया गया कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने के लिए संवेदनशील स्थानों, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। बैठक में SI अशोक कुमार, मुखिया अर्जुन माथो, जागेश्वर यादव, दिलीप कुमार, राम प्रसाद हांसा, जमाल अंसारी आदि उपस्थित थे। में शांति समिति की बैठक किया गया, उसमें सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको दिशा निर्देश के रूप में दिया गया कि सभी पूजा पंडालों में वॉलेंटियर की व्यवस्था करें और वॉलेंटियर को अलग ड्रेस या आई कार्ड दें। पूजा पंडाल में प्रवेश और बाहर जाने से अलग अलग रास्ते की व्यवस्था हो, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो और CCTV कैमरा का व्यवस्था हो, CCTV कैमरा के साथ में वीडियोग्राफी भी हो और विसर्जन में विशेष ध्यान रखना है 7 बजे तक जो सरकार का गाइडलाइंस है उसके साथ 7 बजे संध्या तक विसर्जन कर देना है। और इसके अलावा सभी को ये निर्देश दिया गया कि अपने पंडाल के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखें। हाँ, अभी दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति की जा रही है, वो जिले से होती है, संयुक्त आदेश में चलता है और उसके तहत सभी पूजा पंडाल और वैसे इंसेंटिव पहले जहाँ पे संभावना हो यदि व्यवस्था बिगड़ने का वहाँ पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। झारखंड का नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियर बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली के अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर